बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलन मस्क के मतलब तो आप जानते ही होंगे। आज की दुनिया का अमीर तरीन अफराद में से एक नाम एलन मस्क भी है। आज की वीडियो में हम आपको एलन मस्क की ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जो राज आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। इनमें से अगर आप एक पर भी अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं, आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज़, इंक्रीज़ योर फाइनेंशियल आईक्यू, यानी अपने मालियाती इल्म को बढ़ाएं। आसान अल्फाज में इससे पैसे के मतलब इल्म कहा जाता है। जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि अमीर कैसे अमीर हो रहा है। और वक़्त गुजरने के साथ साथ हमने अपनी ज़िंदगी में माल और दौलत को कैसे बढ़ाना है और कैसे अपनी माली हालत को बेहतर करना है। दूसरी चीज़, वियन, यानी मकसद। आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आपका ख्वाब क्या है, इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी की किताब को पढ़ना होगा, यानी अपने अंदर जाग कर अपने मकसद को ढूंढना होगा। तीसरी चीज़, टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी आप अपने मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हैं, ये आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही है। आपने भी टेक्नोलॉजी की इस रेस में हिस्सा लेना है, इसके मतलब सीखना है, सोशल मीडिया की ताकत को समझना है, यूट्यूब के फ़वाद से मुस्तफ़ीद होना है, यूँ आप कामयाब हो सकते हैं। चौथी चीज़, मल्टी स्किल्स, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें सीखें, उनमें महारत हासिल करें। मल्टी स्किल्स से मुराद मुख्तलिफ स्किल्स सीखना है। फ़र्ज़ करें आप एक वकील हैं, यह आपका शोबा है, लेकिन आप वकालत की फील्ड को ज्वाइन कर लें, इसको मुकम्मल तौर पर सीख कर इसके माहिर बन जाएं, तो उसके साथ आप अपने स्किल्स को बढ़ाते जाएं। यूट्यूब को सीख लें, यूट्यूब कैसे काम करता है, इस पर कामयाब कैसे हुआ जाता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जैसे फाइवर और अमेज़न वगैरह, जो आपकी स्किल्स पॉलिश होती जाएंगी और आप कामयाबी के रास्ते पर होंगे। पांचवीं चीज़, थिंक टैंक, यानी माहिर लोगों का ग्रुप। आपके पास माहिर लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हों। आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि जब आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी में निखार आएगा, आपके पास ज़्यादा इल्म आएगा। याद रखें, आपकी तरक्की इल्म की बुनियाद पर होती है, यूँ आप आगे बढ़ते रहेंगे। छठी और आखिरी चीज़, पेशेंस, यानी सब्र। सब्र आपकी कामयाबी के लिए बहुत लाजमी है। ये ऐसी चीज़ है जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और इसकी बेहतरीन मिसालें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हमें मिलती हैं। साहबाए किराम ने भी ऐसी मिसालें पेश की हैं कि वो अपनी मिसाल आप हैं। हमें भी दुनिया में मुश्किलात को देख कर इनको सब्र और तहम्मुल से लेना चाहिए, सब्र से आगे बढ़ना चाहिए। हकीकी तरक्की भी यही है कि हम इन बातों को अपनाएं। एलन मस्क की ज़िंदगी का राज भी यही है, उसने इन्हीं बातों को अपनाया। आज वो इतना अमीर है जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह यही है कि उसने मेहनत की और आने वाले दौर को सोचा। एलन मस्क की कामयाबी के ये राज हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफज करना होगा।